हमने लास्ट टाइम जो किया था वो याद है, और इसमें सबसे ज्यादा हमने किया था कि धर्म क्या है उसको भी हमने समझा था। बुक है सबके पास में ना, या केवल ऐसे ही सिर्फ सुन रहे हैं सभी लोग? है ना। हाँ, वेरी नाइस। बुक रख के अपने साथ में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, आपके जीवन में भी और ज्यादा उतरेगा। तो सदैव अपने साथ में बुक रखें, और जो मेन शब्द है या जो मेन माँ की टीचिंग है उसको नोट डाउन भी करते रहेंगे कि तो हमारे जीवन में वो और ज्यादा उतरेगा। थैंक यू। तो हम स्क्रीन के साथ में थोड़ा जानेंगे, समझेंगे तो और ज्यादा समझ पाएंगे। ओके, तो हमने अभी हम देख रहे हैं अध्याय दो, सांख्य योग, जिसमें हम लोगों ने देखा था ज्ञान योग भी कहते हैं। इसका नाम सांख्य योग क्यों है, कोई बताएगा? कौन सा योग? अभी जैसे चैप्टर टू का नाम है सांख्य योग। सांख्य। हाँ, तो इसका नाम सांख्य योग क्यों है? सांख्य मतलब संख्या, कुछ अंक होगा। हाँ, ये सही है, कुछ संख्या से ही रिलेटेड है ये, तो इसीलिए कि क्या है ये, कौन सी संख्या के बारे में, कहाँ से आया है ये। चलिए मैं बता देती हूँ, ये है सांख्य योग, एक शास्त्र है कपिल मुनि द्वारा जो लिखा हुआ है, उसके द्वारा ये आया है, वहां से प्रभावित है। इसमें सांख्य ज्ञान जो वहां पे शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ये बहुत कुछ वहां से रिलेटेड है, इसके लिए इसका नाम सांख्य योग है। एक सेकेंड, मैं इसको, और सांख्य का दूसरा मीनिंग है ज्ञान योग, जिसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान शरीर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और अध्याय दो में वही चल रहा है, शरीर का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। उसमें सारा डिफरेंस बताया जा रहा है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। हमने लास्ट टाइम जो श्लोक देखे थे उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फिर हम आज का श्लोक देखते हैं। हमने देखा था देही नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत, कि जो देही है वो सदैव, देही मतलब शरीर, तो शरीर सदैव विद्यमान नहीं रहता है, उसका वध हो जाता है, वध यानी समाप्त हो जाता है, देही है जो हमेशा समाप्त होता है। देही नित्यम वध्योयम, देही है आत्मा और देह है शरीर, तो सभी के शरीर में जो ये आत्मा रहती है वो अवध्य है, देह का शरीर का हमेशा नाश होता है, देही का कभी भी नहीं होता है। तस्मात सर्वाणि भूतानि, इसलिए सभी भूत प्राणी, भूतानि यानी भूत प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट देखा था सर्वधर्म मपि चावेक्ष न विकम्पि तु महर्षि, कि अपने स्वयं का धर्म, हमने चर्चा की थी धर्म पे लास्ट टाइम, कि जो अपने स्वयं का धर्म है, जो कर्तव्य कर्म है हमारा स्वयं का, उसको देख के कभी भी विकंपित नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए,
अपने स्वयं के जो कर्तव्य कर्म है, धर्म वाला जो कर्म है, उसको देख के कभी भी डरना नहीं चाहिए, सदैव उसमें अग्रसर रहना चाहिए। तो इसके लिए धर्मयाति अर्जुन से कह रहे हैं कि क्षत्रिय को युद्ध भूमि में आकर उसका धर्म है युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो, उसके अलावा दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है तुम्हारे लिए। फिर ये देखा था कि जब बता रहे कि युद्ध करो वही धर्म है, तो उसके बाद में है कि युद्ध में क्या होगा, अपनी धर्म की पालना करते हुए या तो तुम युद्ध जीतोगे या मारे जाओगे, विजय होगे, यही होगा। तो अगर तुम हतो यानी कि समाप्त होगे मारे जाने पे, अपनी खुद की हत्या होने पे, युद्ध में मारे जाने पे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाते हो तो तुम्हें पृथ्वी का भोग मिलेगा, तो दोनों ही तरह में फायदा तुम्हारा ही है। तो तस्मात् उत्तिष्ठय कौन्तेय, तो इसलिए हे कौन्तेय तुम निश्चित करके बिना किसी संशय से उठ जाओ और युद्ध करो, अपने कर्तव्य कर्म करो, धर्म वाला कर्म करो। फिर हमने देखा था सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, कि सुख और दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में हमेशा सम रहना चाहिए। सुख में बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए, लाभ हुआ तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वैसे ही दुख होता है या अलाभ होता है, नुकसान होता है बिजनेस में या कहीं और, तो कभी भी दुखी भी नहीं होना चाहिए। ना सुख को बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहिए और ना ही दुख में ज्यादा दुखी होना चाहिए, सदैव अपनी समता भाव में रहना चाहिए। ततो युद्धाय युज्यस्व, जब सम स्थिति में रह के तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, न एवं पाप मवाप्स्यसि, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अगर मन में कुछ भी इंटेंशन जिसे कहते हैं, कुछ भी मन में इंटेंशन रख के हम काम करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने काम हमेशा अपने इंटेंशन से बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक है 39 जो अभी हम आज देखेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इस श्लोक में, लेकिन एक बार देख लेते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो हैंड रेस करें, ये भी एक यज्ञ कर्म है, सभी लोग इसमें आहुति दें अपनी, पढ़े आगे आए। जो कोई भी पढ़ना चाहते हैं, क्या हुआ, कोई भी नहीं? यस सीमा जी पढ़िए। संस्कृत का, हाँ संस्कृत का उच्चारण थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट जाता है मैडम। कोई बात नहीं, करते करते हो जाएगा, परवाह नहीं, यहाँ कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, आराम से पढ़िए, जैसे आप पढ़ सकते हो वैसे पढ़िए। एषा से विहिता सांख्ये बुद्धिर् योगे मां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बंध प्रहस्यसि। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू, थैंक यू। तो एषा ते विहिता सांख्ये, कि अर्जुन से कह रहे हैं कि अभी तक जो भगवान ने ज्ञान दिया है वो है सांख्य का ज्ञान। एषा ते विहिता सांख्ये, जो सांख्य अभी जो ज्ञान दिया है वो सांख्य का, यानी कि आत्मा शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया है। बुद्धि रियो को तुम श्रुणो, तो अब तुम अब योग के बारे में सुनो। यहां से योग शुरू होता है, इससे आगे बुद्धिर युक्ता युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहस्यसि,
जो योग का भगवान अब आगे बता रहे हैं उसको सुनने से तुम्हारे कर्म बंधन सभी से मुक्त हो जाओगे, प्रहस्यसी समाप्त हो जाएंगे सभी तरह के कर्म बंधन। हम लोग अधिकतर तो कर्म बंधन में ही रहते हैं ना, कर्म करते हैं उसमें थोड़ा अहम की भावना भी रहती है हमारी, मैं कर रहा हूं के भाव से करते हैं। तो अब आगे भगवान बता रहे हैं कि मैं अब आगे तुम्हें योग का बताऊंगा जिससे तुम जानकर अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में इतना ही है कि अभी हमने क्या पढ़ा और अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, अब से योग ज्ञान शुरू हो रहा है, कोई पढ़ना चाहेगा हैंड रेज करें। ठीक है हाँ पढ़िए। महाविक्रमणाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये स्टार्टिंग नेहा है, नेहा भी क्रमणास्तो। अच्छा अच्छा नेहा, हम मेरा लाइव वो उधर आ गए तो वो मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ ओके थैंक यू। कि नेहा मतलब न इहा अभिक्रम नासोस्ति, न मतलब नहीं यहाँ, अभिक्रम नासो मतलब जो हम प्रयत्न करते हैं उसकी कभी भी हानि नहीं होती है। तो एक कहावत तो हम सबने सुनी है ना कि प्रयत्न करने वालों, जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो ये यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि जो प्रयत्न करते हैं वो उसकी कभी भी हानि नहीं होती है किसी भी सिचुएशन में। प्रत्यवायो न विद्यते यानी कि प्रतिकूल स्थिति में परिणाम में भी कभी भी उसे हानि नहीं होती है, चाहे स्वल्पमप्यस्य। और ये कब होता है नेहा? जब हम योग में स्थित हो जाते हैं तब हमें कहीं से भी किसी भी तरह की हानि नहीं होती है। स्वल्पमप्यस्य जब थोड़ा सा भी जो हम धर्मस्य कर्तव्य कर्म करते हैं तो त्रायते महतो भया कि बड़े से बड़े भय से भी हम भय मुक्त हो जाते हैं, हमें डर नहीं लगता है। स्वल्पमप्यस्य थोड़े से भी इस धर्म योग का अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। तो कितना फायदा है ना योग में स्थित होने का कि हम कभी डरते ही नहीं है, डर नहीं लगता है। ये तो सभी को महसूस भी हो रहा होगा, जो इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं उन्हें महसूस भी हो रहा होगा कि हम कोशिश करते रहते हैं ध्यान में बैठने की, करते करते ध्यान भी हमारा लगने लग जाता है, विचार कम होने लग जाते हैं और हमारा खुद में भी परिवर्तन होने लगता है, हमारे आसपास में भी परिवर्तन होने लगता है, सभी लोगों के स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। तो थोड़ा सा भी अपन हम धर्म का जो पालन करते हैं तो हर तरीके के भय से मुक्त हो जाते हैं। योग की महिमा बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक 241। व्यवसायात्मिका कोई पढ़ेगा नहीं तो एंड्रेस करें और हम देखते हैं आगे इसको भी। हाँ जी पढ़िए। व्यवसाय आत्मिका
आत्मिका बुद्धिः एका इह कुरुनन्दन बहुशाखाः हि अनन्ता च बुद्धय अव्यवसायी नाम। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ सभी लोग अच्छा तो पढ़ रहे हैं, फिर क्यों इतना मतलब नहीं पढ़ते हो? अच्छा लग रहा है। संस्कृत संस्कृत आता नहीं लेकिन ट्राई करते प्रयत्न तो, बिल्कुल अभी देखा ना प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और yes, प्रयत्न yes, कोई भी चीज हम प्रयत्न करते रहने से ही तो हम सीखते हैं। यस मैम। कुछ समय पहले मुझे भी नहीं आता था, प्रयत्न करते रहे आ गया। चलिए इसको, ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको समझते हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, कि जो व्यवसायी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, देखिए समझाने का भी भगवान ने जो वेदव्यास जी ने तरीका है वो कितना सुंदर अपनाया हुआ है ये देखते हैं। पहले हमको आत्मा के ज्ञान में कपड़ों के माध्यम से बताया कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कि पुराने कपड़े हो जाने पे हम छोड़ देते हैं, कोई तरह का शोक नहीं होता है। तो उसी तरह आत्मा भी अपना शरीर बदलती है तो शोक नहीं करना चाहिए, कितना इजीली हमको समझाया था एक अच्छा से एग्जाम्पल के साथ में। तो वही यहाँ पे वेदव्यास जी हमको समझा रहे हैं एक व्यवसायी कैसा होता है, उसकी बुद्धि कैसी होती है, वो कैसे योग में रहता है। वैसे ही है ये भी कि व्यवसायी आत्मिका बुद्धि, कि एक व्यवसायी की जो बुद्धि होती है वो एक निश्चयात्मक होती है। एका यह कुरु नंदन, तो वो उसकी जो सोच होती है एक बार में वो सोच लेता है, एक हो जाता है कि उसे क्या करना है। कुरु नंदन यानी कि अर्जुन से कह रहे हैं कि व्यवसायी हमेशा एक अपना प्लान करता है, उसे बिजनेस क्या करना है, बिजनेस में आगे क्या करना है, वो सारा हमेशा वो एक प्लान कर लेता है। और प्लान करने के बाद में वो निश्चित हो जाता है, अब मुझे ये प्लान बस अब फॉलो करना है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धया अव्यवसायी नाम। यहाँ बताया व्यवसायी कहता कैसा होता है, यहाँ बता रहे हैं कि जो अव्यवसायी बुद्धि वाले होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अव्यवसायी बुद्धि वाले अनिश्चित होते हैं, अनंता उनकी बुद्धि कहीं पे भी टिकती नहीं है। जिसे हम बोलते हैं ना ये आदमी कंफ्यूज है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये योग जो हम लोग करते हैं ये योग की क्वालिटी है। योग में रहने से हमेशा आदमी निश्चित रूप से, क्यों? क्योंकि वो योग में स्थित है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करता है। इंट्यूशन समझ में आया ना क्या है? फॉलो करते ही होंगे सभी लोग इंट्यूशंस। यस मैम। हाँ हमारी आत्मा की आवाज ही इंट्यूशन है। तो जब हम योग में स्थित होते हैं, अपने स्वयं से स्थित हो जाते हैं, तो हम हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और कभी भी इधर उधर नहीं भटकते हैं। हमें एक दृढ़ रहता है कि नहीं हमारे इंट्यूशन ने ऐसा कहा है तो वो सही है, हम वहां पे कहीं पे भी अनिश्चय वाली स्थिति नहीं रहती है। तो जो योग में स्थित नहीं होता है, जो अव्यवसायी नाम है, वो हमेशा बहुशाखा वाला अनंत रहता है। बहुशाखा जैसे पेड़ की इतनी शाखाएं होती है ना, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सी शाखा पे सही है मेरे लिए, वो सभी शाखाओं में घूमता रहता है। तो हमें कैसा बनना है? व्यवसायी वाली बुद्धि का, आई विल जैसे कहते हैं ना, विथ प्लानिंग वाली और दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि। तो योग में स्थित होने का इतना महत्व है, अपने आप से जुड़ने का इतना महत्व है कि हम कभी भी भटकते नहीं है इधर उधर बहु शाखाओं में। हम हमेशा हमारे लाइफ में क्लियरिटी रहती है कि हमें क्या करना है। तो सदैव कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, अपने स्वयं से ही जुड़े, अपने स्वयं से सवालों का जवाब निकालें, योग में रहें, अपनी आत्मा से जुड़े रहें, तो हम कभी भी अनंता वाली बुद्धि नहीं होगी हमारी,
एक निश्चित वाली बुद्धि होगी, एका यह बुद्धि, एक निश्चयात्मक बुद्धि होगी, तो हमारे जीवन में कभी भी टेंशन नहीं होगा। जो सुनते हैं ना लोग बोलते हैं टेंशन है, तो क्यों है टेंशन उनकी लाइफ में? क्योंकि वो कहीं पे भी एक जगह टिक ही नहीं रहे, निश्चित ही नहीं है, तो टेंशन बढ़ रहा है। और टेंशन बढ़ने से क्या क्या होता है ये हम सब ने देखा है कि टेंशन बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो योग की अहमियत कितनी है, इसको अगर हम कड़ी से कड़ी आगे से आगे जोड़ते जाएंगे तो योग की अहमियत बहुत लंबी निकलेगी। हम बहुशाखा वाले नहीं होंगे, हम टेंशन में नहीं जाएंगे, हम टेंशन में नहीं जाएंगे तो हमें कोई तरीके की बीमारी नहीं होगी, हम खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो सदैव योग में स्थित रहें। नेक्स्ट श्लोक 242। यस, कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक, अभी एंट्रेंस नहीं हुआ अभी। यस, आइए। हाँ पढ़िए। पढ़ू मैम? यस यस पढ़िए। यामिमां पुष्पिता वाचन् प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नन्नेदस्ति निवादिनः। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, याम इमाम, जिस प्रकार पुष्पिता, पुष्प कितना आकर्षण वाला होता है ना, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन यहाँ पे पुष्पिता का डायरेक्ट पुष्प से नहीं है, एक विशेषता बताइए पुष्प की, कि पुष्प कितना आकर्षण होता है ना, उसकी विशेषता बताते हुए वेदव्यास जी आके कह रहे हैं कि जिस तरह, जिस प्रकार विपश्चितः, विपश्चितः मतलब विपरीत बुद्धि वाले, स्थिर बुद्धि वाले जो नहीं है, वो कैसी वाणी बोलते हैं? पुष्पिता वाणी बोलते हैं, यानी बहुत आकर्षण वाली वाणी बोलते हैं, कहते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं वो उसमें? वेदवाद रताह, कि जो वेद, वेदों में कहा गया है, वेदों में कहे हुए सकाम कार्य, अपने भौतिकता के लिए कार्य, कर्म कांड बताए गए है ना, कि कुछ भी पाना है तो ये पूजा करो आप, ये यज्ञ करो, आपको ये मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा हम लोगों ने देखा भी है कि कुछ भी इच्छा रखते हैं तो उसके लिए यज्ञ करो, तो वो चीज है, वो वेदों में उसका वर्णन है। नान्य दस्ति वादितः, और वो कहते हैं कि इससे बढ़के और कोई चीज नहीं है। कि जो लोग यहाँ भगवान इस श्लोक में आगे और भी बताएंगे, वेदों में बहुत ज्ञान है, लेकिन वेदों में साथ में कर्म कांड भी है, अपने यश को, ऐश्वर्य को, अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए, भौतिकता में कुछ भी सुख सुविधाओं के लिए लोग पूजा अर्चना वो सब करते हैं, कि इससे हमारा घर होएगा या बिजनेस अच्छा होएगा, इस ढंग से। तो भगवान यहाँ उसको उचित नहीं मान रहे हैं। कि जो लोग अविवेकी हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं, वो सभी वेदों में जो आकर्षण वाली जो है वाणी, मतलब पुष्पिता वाणी जो है, वैसे बोलते हैं, और वेदों के गुण स्तुति वाक्यों में आनंद लेते हैं और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसके साथ में हम नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ेंगे तो ये हमें और अच्छे से समझ में आएगा, दोनों एक तरह से कनेक्टेड ही है, 42 एंड 43।
यस पढ़िए, या मैं एक साथ में इसका विश्लेषण कर देती हूँ, फिर इसको पढ़ते हैं कि जो है और क्या है कि कामनाएं, कामात मानह, जो कामनाएं हैं, कैसी कामनाएं कि स्वर्ग में जाने की, बहुत सारी इच्छाएं हैं और स्वर्ग में जाने के लिए भी इच्छाएं रखते हैं, उसके लिए भी दान धर्म, मतलब वो पर्पस रखते हुए दान धर्म जो करते हैं, वो सभी जन्म कर्म फल प्रदान, वो मोक्ष का साधन नहीं है। वो सभी जन्म कर्म को फल देने वाला है, वो सब हम फिर से ऐसे कर्म करने से हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, किसमें रहते हुए, जो वेदों में कामनाओं को पूरा करने के लिए, स्वर्ग को प्राप्ति के लिए जो बताया गया है, यज्ञ कर्म दान धर्म तप, उस फल की इच्छा को रखते हुए करना, तो हम जन्म और कर्म मृत्यु के चक्र में चलते रहेंगे। ये ऐसे कर्म है। क्रिया विशेष बहुला, तो विशेष प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे सभी हो गई, मतलब जो ऐश्वर्य भोग को के प्रति जो सभी प्रकार की क्रियाएं हैं वो हमें भौतिकता में तो सुख देती है, लेकिन आत्मा को सुख नहीं देती है वो सभी। हमें भौतिकता पे नहीं जीना है, हमें अपनी आत्मा के लेवल पे रहते हुए जीना है। तो आत्मा को क्या पसंद है क्या नहीं, उसको जानते हुए हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। कामनाओं पे नहीं रहना चाहिए, स्वर्ग की भी इच्छा रखते हुए कोई भी दान धर्म तप कर्म पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, और ना ही कोई और किसी भी पंडित वेदवाद्रता, मतलब जो वेदों को बहुत अच्छे से गुणगान करते हुए बड़ी ही अपनी पुष्पिता वाणी में बताते हैं, वैसा कर्म भी नहीं करना चाहिए। अपने आप की सुननी चाहिए कि क्या है। जब हम ये जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, तब ये चीज और अधिक समझ में आने लगती है, हमारे जीवन में और उतरने लगती है। अगर यहाँ किसी को कुछ न समझ में आया है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो इसके अगले श्लोक में और अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो मैंने ये दो श्लोक की बात बताई है वो अगले श्लोक में बहुत अच्छे से और भी समझ में आएगा। मैम और थोड़ा विस्तार से बताए ना, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। हाँ ठीक है, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया वो बताइए। जो वेद वेदों हाँ में लिखा है वो अगर करने को बोलते हैं वेद तो हाँ सही है। ठीक है, देखो इस श्लोक को समझने के बाद में, ये जो है 245, इसको करने के बाद में फिर अगर आपको कुछ डाउट रहे ना तो आप पूछिएगा। इस श्लोक को ओके पढ़ने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके ठीक है, ये श्लोक मैं पढ़ती हूँ, ये मेरा बहुत ही फेवरेट श्लोक है और बहुत मीनिंगफुल है। इसके हर शब्द में बहुत मीनिंग है, जो अभी हमने आगे के दो तीन श्लोक किए हैं ना, ये सभी का मूल है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। देखो ये यहाँ पे त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेदों में जो तीन गुणों का वर्णन है, तीन गुण कौन से हुए, सतो रजो और तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति में स्थित है और हम सदैव इन गुणों से प्रभावित रहते हैं।
इसमें हम आगे और आगे जाके पढ़ेंगे तो इसमें भी कह रहे हैं भगवान की निस्त्री गुण्यो भवार्जुना कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। इन गुणों के बारे में हम आगे और भी पूरा एक अध्याय है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप में भगवान यही कह रहे हैं कि वेदों में जो वर्णन है, जो भी कर्म है, वो सभी इन तीनों गुणों की प्राप्ति के लिए बताए हुए है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। जब तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो जो वेदों में जो कर्म कांड बताए गए हैं, जो पूजा बताई गई है, उन सबको से ऊपर उठना है, सभी को छोड़ते हुए ऊपर उठ जाना है। निस्त्री गुण्यो भवार्जुना, अपने तीनों गुणों को छोड़ते हुए ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंदो, अपने द्वंद से मुक्त हो जाओ। निर्द्वंद, द्वंद क्या होते हैं हमारे जीवन में, हमें कहां परेशानी होती है, कहां द्वंद आ जाता है हमारे जीवन में, जहां कहीं भी सुख दुख आ जाएगा, जहां कहीं भी मान अपमान हो जाएगा, लाभ हानि हो जाएगी, अरे इतना लाभ हो गया, इतना वो हानि हो गई, या अपना पराया होता है, वहां उन सभी स्थितियों में हमारे अंदर में द्वंद हो जाता है। तो इन सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाए, इससे पहले श्लोक में हमने देखा था कि सभी स्थिति में समान रहना, सुख दुख जय पराजय उन सभी स्थिति में समान रहना, वैसे ही है कि यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि सभी से ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंदो, कोई भी द्वंद में रहो ही मत, सम स्थिति में रहो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, यही भाव रखते हुए रहे। नित्य सत्वस्थो, हमेशा अपने सत्व में स्थित रहें। और सत्य क्या है हमारे जीवन में, सत्य क्या है हमारे जीवन में, सत्य है हम स्वयं, हमारी आत्मा। तो सदैव अपनी आत्मा से योग में स्थित रहें। निर्योग क्षेम, निर्योग क्षेम का मतलब होता है कि ना तो केवल अपने पास में जरूरत का सामान रखें, नीडफुल चीजों से ही योग करें, डिजायर में योग ना करें। कहीं और देखा कि यहाँ वो चीज अच्छी है, ये तो मुझे चाहिए, चाहे हमें जरूरत है या नहीं है, वैसे नहीं करें, उस योग से बचे अपने आप को। ऐसा योग करने से फिर हम और द्वंद में आ जाते हैं। अगर द्वंद्वों से मुक्त होना है तो सिर्फ अपने पास में अपनी नीडफुल चीजों को ही योग रखें। कहीं पे भी कुछ भी अच्छा देखते हैं, अच्छा सुन लेते हैं कि हाँ वहां का अच्छा है, ये अच्छा है, वहां देखा था मुझे, वहां अच्छा लगा, मुझे वो चाहिए, वैसी डिजायर्स नहीं करें। और छेम, पहले हम वैसी चीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसके देख रेख में अपना समय व्यर्थ करते हैं। हमारा समय बहुत कीमती है, हमें अपना समय वेस्ट व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अपना हर पल अपने यज्ञ कर्म में लगाना चाहिए, मतलब अपने धर्म वाले कर्म में लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए, अपने ज्ञान प्राप्ति में लगाना चाहिए। इधर उधर की भौतिक में, भौतिकता की चीजों में हम पहले इकट्ठा करते हैं और फिर उसमें समय ले, उसके रक्षण में, क्षेम मतलब उसकी रक्षा करना, उसमें हम समय लगाते हैं। तो ये दोनों ही चीजों से मुक्त होना है तो हम अपने समय का पूरी तरीके से सदुपयोग कर पाएंगे। तो ना तो निर्योग करो, ज्यादा योग करो, और ना ही फिर क्षेम करने की स्थिति आएगी। आत्मवान भव, अपनी आत्मा में स्थित रहो। और ऐसी जब निर्द्वंद हो जाएंगे, नित्य अपनी आत्मा में योग में स्थित रहेंगे तो हम आत्मवान बन ही जाएंगे। तो हमेशा त्रय गुण्य विषया वेदा, वेदों में जो तीन गुणों का से उत्पन्न डिजायर्स होती है, गुणों में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, रजस में तो तमोगुण में तो कुछ भी नहीं होता है, वो लेजी पर्सन होता है, वो सिर्फ बैठा रहे वो सिर्फ बैठता है, सिर्फ
अपने लिए, और रजस में और की डिजायर्स रहती है हमारे में कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, वो होता है रजोगुणी। और सतोगुणी होता है जो कार्य करता है अपने आगे, फुल अपनी आगे की जर्नी के लिए कार्य करता है, हमेशा सत्व में स्थित रहते हुए कार्य करता है, लेकिन अच्छे के लिए कार्य करता है। लेकिन भगवान कहते हैं अच्छा भी, शुभ काम भी करते हो तो उससे भी मुक्त होना है, शुभ में भी नहीं रहना है। तो ये बात है, जब डिजायर्स होती है रजस में, जैसे डिजायर्स होती है फुलफिल करने के लिए, फिर वो क्या करेगा कि हाँ बच्चे के एग्जाम में नंबर अच्छे आने चाहिए, पंडित बोलता है ये पूजा कराओ, तो वैसा सब क्या पंडित की पूजा से मार्क्स अच्छे आ जाएंगे या बच्चे के पढ़ने से मार्क्स अच्छे आएंगे? किससे आएगा बताइए? ये बच्चे, स्वार्थ, हाँ हाँ बच्चा जो पढ़ता है उससे। उससे मार्क्स आएगा ना, क्या पंडित पे निर्भर करता है और बच्चे को पढ़ा ही नहीं कि नहीं नहीं तुम अब जब हो जाएगा। यही बात है कि इस तरह का भी वर्णन है ना वेदों में कि हाँ शिक्षा प्राप्ति के लिए ये मंत्र का जाप करो, ये पूजा करो तो हो जाएगा। तो उन सबसे वो सभी द्वंद्वों में और डाल देंगे आपको, फिर डाउट हो जाएगा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बेटर है सभी गुणों से ऊपर उठ जाने का और स्वयं में अपने नित्य आत्मा से योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अपने लिए जो सही है, वो हमें आत्मा गाइड करती है, तो हमेशा उसी में स्थित रहना, तो हम आत्मवान बन जाएंगे। आत्मवान बनना है सभी को। अगर अभी भी किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट है? कुछ क्लियरिटी चाहिए नो तो हाँ पूछिए। मैम, नो नो मैम, डाउट नहीं है कुछ। डाउट नहीं है ना, थैंक यू। समझ में आया ना? नहीं तो कोई भी डाउट में रहना ही नहीं है। देखिए हमें यहाँ पे कोई गीता कंप्लीट नहीं करनी है, हम दौड़ नहीं रहे हैं, हमें समझना है, हम उसको समझ के अपने जीवन में उतारें, कारण कि बहुत यस सारी भ्रांतियां भी है हमारे साथ में। भगवत गीता हमारी जीवन शैली है, हमें अपने जीवन में उतारना है, तो जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तो हमारे जीवन में उतरेगा भी नहीं। तो जहां कहीं भी डाउट लगे जरूर पूछे और करें। इस तीन गुणों से आगे भी किसी को अगर कुछ पूछना है, गुणों के बारे में भी अगर किसी को और कुछ जानना है तो बोले। सत्व सत्व गुण के बारे में थोड़ा बोलो ना मैम। सत्व गुण, सतोगुणी जो होता है वो सदैव जैसे अच्छे के लिए कार्य करता है, उसमें खुद का कर्ता भाव नहीं रहता है, बस उसे सबके भलाई के लिए काम करना रहता है, अच्छे कार्य करना रहता है, वो होता है सतोगुणी। रजोगुणी भी सबके लिए कार्य करता है लेकिन उसमें फल की इच्छा रहती है रजोगुणी में। हाँ हाँ, और तमस वाला तो कुछ लेजी होता है, वो अपने लिए भी ना अपने लिए कार्य करता है ना दूसरों के लिए। जब अपने लिए ही नहीं करेगा तो दूसरों के लिए क्या करेगा? तमस कुछ भी नहीं करता है। रजस हमेशा डिजायर्स रखते हुए करता है, सत्व में डिजायर नहीं रहती है, वो सिर्फ कर्म करता है, अच्छे के लिए करता है। तो ओके। जब हमको अपनी यात्रा, हमारी यात्रा कब समाप्त होती है? जब हम शुभ कर्म भी करना बंद कर देते हैं। मतलब कर्म कर्म करना बंद कर देने का मतलब है कि वो भाव से नहीं करें कि मैं ये जो कर रहा हूं इससे मुझे ये पुण्य मिलेगा, वो भाव नहीं करना, बस कर्म करना है, छोड़ देना है, भूल जाना है, अच्छे के लिए कर्म करना है, फिर से वो पुण्य प्राप्ति की रहेगी। अगर आपने पुण्य इकट्ठा कर लिया वो इच्छा से रखते हुए, तो वो पुण्य को भी खत्म करने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। ओके भगवान कहते हैं अपनी पॉकेट पूरी खाली करो,
ना तो उसमें पाप कर्म रखना है ना ही उसमें पुण्य कर्म रखना है, सिर्फ हाँ, कर्म करना है। ये मालूम नहीं था, हमको लगता था कि पुण्य ही मिला, सब पुण्य ही चाहिए अपने को। हाँ नहीं, भगवान कहते हैं अपनी दोनों पॉकेट खाली कर लो, दोनों या दो है चार है जितनी भी है सब खाली करो के आना। अगर कुछ भी पॉकेट में रख के आए तो वापिस जाओगे खाली करने के लिए। ये जो बात है ना, क्या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये बात हम बोलते हैं लेकिन वो करते समय मानते नहीं है, मानते हैं क्या हमको पुण्य मिलेगा। हाँ, अभी वही सिखा है ना अब हाँ तक। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, हाँ उन भ्रांतियों से हमें ऊपर उठना है। मैंने अभी वो पूजा पाठ का नाम लिया तो बहुत सारे लोगों को वो हुआ रहेगा कि ये क्या है, हम तो इतने समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ नहीं करो। वेदों में भी बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा वर्णन है वेदों में, लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं ये समझने लायक है कि किस तरह से हमें जो वहां शिक्षा है, हर युग में शिक्षा परिवर्तन होती जा रही है। सतो युग में अलग थी, फिर इसमें मैं सतो रजो तमो में आ रही हूँ, सत में सतो रजो तमो नहीं, लेकिन हर युग में द्वापर युग में अलग तरह की शिक्षा थी, सतयुग सतयुग में अलग तरह की इच्छा थी शिक्षा थी, तो ये सभी युगों में शिक्षा का एक महत्व बदलता गया है। पहले तो युग में कोई भी तरह का पूजा पाठ वगैरह नहीं होता था, सिर्फ ध्यान ही होता था वहां पे, और सेवा होती थी, सिर्फ दो चीज होती थी, ध्यान और सेवा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसमें और जोड़ना होता चला गया। और वेद भी जब लिखे गए थे, जब वेदों का भी उद्गम हुआ, तब उस समय में अलग परिस्थितियां थी, आज की परिस्थितियां और अलग हो गई है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय में जो भावना से उसमें कार्य होता था, क्या आज भी उसी भावना से वो कार्य होता है, क्या आज भी उसी तरह के ज्ञानी है, ज्ञाता है सभी लोग, या सभी पुष्पिता वाली वाणी बोलते हैं, ये हमें समझना चाहिए। ये अपने साथ में जुड़ के ही हमें समझ में आता है कि ये हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। वेदों में हमने या तो हमें खुद स्वयं को वेद पढ़ना चाहिए, उनमें समझना चाहिए कि क्या कहा है भगवान ने, उसे समझते हुए हम बढ़े आगे तो सही है, किसी पुष्पिता वाणी वाले के साथ में न जाए। ये भगवान स्वयं यह बता रहे हैं गीता में, ये मेरे शब्द भी नहीं है।